असल स्टूडेंट्स कैप फोर बी एम बी एस को लेक्चर फोर्टी वन में आज हम पहुँच गए चैप्टर थ्री हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है काफ़ी हद तक हम चैप्टर थ्री कवर कर चुके हैं एक टेस्ट भी हम देने जा रहे हैं कमिंग डेज़ में अभी तक जो तो चीज़ें हमने कवर की हैं क्या कवर किया हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दो कवर की हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दोनों को हमने डिफ्रेंशियट कर लिया कुछ चार पॉइंट्स में पर्पस, ऑनरशिप फंडिंग एंड अकाउंटेबिलिटी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की दो टाइप्स हमने कवर कर ली पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंटल एंड प्राइवेट में नॉन गवर्नमेंटल और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तीन टाइप्स हमने कवर कर ली सोल प्रोफ्राइटर पार्टनरशिप लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट की एक हमने एग्जाम्पल कवर कर ली क्लब्स एंड सोसाइटीज़ एक ऑर्गेनेशन हमने कवर कर ली जो प्रॉफिट मेकिंग नॉट फॉर प्रॉफिट दोनों हो सकती है कॉपरेटिवस और यहाँ तक हमारा एक टॉपिक टाइप ऑफ ऑर्गेनेशन कवर हुआ उसके बाद दूसरा टॉपिक हमने स्टार्ट किया स्टेक होल्डर्स स्टेक होल्डर्स डिफाइन किया हमने इंटरनल की लिस्ट बनाई एक्सटर्नल की लिस्ट बनाई कौन स्टेक होल्डर क्या चाहता है उनकी डिमांड कंसर्न नीड एक्सपेक्टेशंस हमने कवर की फिर हमने स्टेक होल्डर की इम्पोर्टेंस देखी एनालाइज़ किया स्टेक होल्डर को यूजिंग मैंडो ग्रिट फिर हमने देखा स्टेक होल्डर को जो पावर मिलती है वो किसी सोर्स से मिलती है उसमें कोई चार एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर हैं तीन इंटरनल सोर्स ऑफ पावर हैं उनके साथ स्टेक होल्डर कौन कौन है वो हमने कवर किए कॉलम में क्वेश्चन इसका प्यर हो सकता है कनेक्टेड स्टेक होल्डर की डिफाइनिशन और उसकी एग्जाम्पल्स मेन स्टेक होल्डर की डेफिनेशन और उसकी इग्जाम्पल्स कवर की और फिर हमने देखा कि समटाइम स्टेक होल्डर का बेस्ट देखते हुए अराइज होता है कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट हाँ वो कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट क्या है विद दी हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हमने एक्सप्लेन किया और कैसे उसे रिजॉल्व करना है दो वे हैं बाय रिकगगनाइजिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्प्लाइंस विथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस यहाँ तक हमारा स्टेक होल्डर का एक एरिया भी कंप्लीट हो गया उसके बाद हम चले गए आगे हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिसाइड स्टार्ट किया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिफाइन किया हाई अरेंजमेंट ऑफ अथॉरिटी लेवल्स एंड कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट उसके हमने कोई पांच पर्पजिज़ जो हैं वो कवर कर लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की हमने इंपॉर्टेंस कवर कर ली और फिर हमने कुछ टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर में कवर की कुछ चार टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर एंटरप्रेन्योरल फंक्शनल डिविजनल मैट्रिक्स अर्गे फंक्शनल डिविजनल मैट्रिक्स का हमने क्या किया चार्ट भी बना लिया फिर हमने देखा कि स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्मल या इनफॉर्मल भी होता है वो भी हमने डिफाइन कर लिया कि फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है जो कंपनी के लीडर मीन मैनेजमेंट ने डिफाइन किया है टू अचीव एनी ऑब्जेक्टिव और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है जो डेवलप हुआ है थ्रू सोशल रिलेशनशिप फ्रेंडशिप या कम्युनिकेशन बिटवीन इंप्लाइज और फॉर्मल अच्छा होता है लेकिन ऑर्गेनेशन इन फार्मल ऑर्गेनेशन को भी बेटर वे में यूटिलाइज कर सकती है बाय फॉर्मलाइजिंग सम ऑफ इट्स एस्पेक्ट्स यूँ इसके थ्रू कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी डेवलप की जा सकती है रिलेशनशिप अच्छे डेवलप की जा सकते हैं सपोर्ट ली जा सकती है फिर हमने एक टॉपिक कवर किया स्पैन ऑफ कंट्रोल स्पैन ऑफ कंट्रोल को डिफाइन किया उसकी दो टाइप्स नैरो और वाइड स्पैन ऑफ़ कंट्रोल कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो भी हमने कवर कर लिए पांच। अकॉर्डिंग टू स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या हैं कुछ दो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हैं टॉल नैरो फ्लैट वाइट। टॉल नैरो की हमने करैक्टर डिस्कस कर ली फॉर्मेलिटी इन रिलेशनशिप प्रिसाइज जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब टाइटल क्लोज सुपरवीज टा स्पेशन एंड मसला है स्लो वर्टिकल कम्युनिकेशन फ्लैट वाइड की हमने करैक्टरिस कवर की क्या है ग्रेटर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू लोर लेवल इजिटेरियनिज्म मीन इक्वालिटी प्रिंसिपल प्रोवाइडिंग रिस्पेक्ट ऑन बेसिस ऑफ स्किल्स एक्सपीरियंस रादर देन पोजिशन इन द चार्ट उसके बाद हमने देखा जी क्या है टास्क स्पेशलाइजेशन नहीं फ्लैक्सीबिलिटी है स्विचिंग फ्राम वन टास्क टू एन अदर कॉपरेशन एंड टीम वर्क है और साथ फायदा क्या है मेनली रैपिड वर्टिकल कम्युनिकेशन एज वेल एज डिसीजन मेकिंग चार्ट बना लिए टॉल नैरो का फ्लैट वाइड का फ्लैट वाइड के दो फायदे हैं मोर सुटेबल है फॉर कॉम्प्लेक्स चेंजिंग डायनामिक बिजनेस एनवायरमेंट चेंजेस लाने के लिए और कॉस्ट सेविंग भी है क्यों टॉल नैरो में से जब आप मिडल मैनेजमेंट जो वैल्यू एड नहीं कर रही उसे रिमूव करोगे तो इससे क्या होगी डीलेयरिंग डाउन साइजिंग मीन कॉस्ट सेविंग भी होगी फिर प्रीवियस लेक्चर में हमने एक दो छोटे छोटे टॉपिक जो है वो कवर किए एक स्पेशलाइजेशन और एक डिपार्टमेंटलाइजेशन कि वर्क जो डन होता है ऑर्गेनाइजेशन में वो कैसे होता है काम को लोगों में डिवाइड करके और ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है ये क्या है स्पेशलाइजेशन कि एक बंदे को एक ही काम पे लगा दोगे तो वो काम करेगा तो उसमें स्पेशलाइज हो जाएगा स्पेशलाइजेशन दो तरह की होती है हाई स्पेशलाइजेशन और लो स्पेशलाइजेशन हाई क्या है एक बंदे को एक ही काम तक शिफ्ट किया है जिससे वो उसी काम में मास्टर होगा तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास नंबर ऑफ इंप्लाइज ज्यादा हैं वो आ, हाई स्पेशलाइजेशन पे चलती हैं। लेकिन छोटी ऑर्गेनाइजेशन हाई पे नहीं लो स्पेशलाइजेशन पे चलती हैं आप एक बंदे को एक काम तक सिक नहीं कर रहे डिफरेंट कामों तक जो है वो स्पेशलाइज कर रहे हो ताकि थोड़ी फ्लैक्सीबिलिटी मीट की जा सके ताकि वर्कर्स को स्विच किया जा सके फ्रॉम वन टास्क टू तो एन अदर एज डिमांड रिक्वायर फिर एक टॉपिक हमने छोटा सा और पढ़ा डिपार्टमेंटलाइजेशन डिवाइडिंग जॉब इन टू डिफरेंट यूनिट्स मीन डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड करना जॉब्स को यह क्या है डिपार्टमेंटलाइजेशन लाइक सेल फंक्शन के लिए सेल डिपार्टमेंट बना देना परचेज के लिए परचेज बना देना प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन बना देना अब डिपार्टमेंटलाइजेशन भी दो तरह की होती है रिजिड मीन टाइट डिपार्टमेंटलाइजेशन और दूसरा लूज डिपार्टमेंटलाइजेशन रिजिड या टाइट डिपार्टमेंटलाइजेशन है? है, है, तो है।, है कि लेवल पे आपने सारे डिपार्टमेंट को रख दिया उनके अथॉरिटी लेवल डिफरेंट नहीं रखे इससे क्या होगा एक ही लेवल पर है तो कम्युनिकेशन अच्छी उनके बीच में स्टेब्लिश होगी और जो फ्लैट वाइड ऑर्गेजेशन है वहां पर क्या होती है लूज डिपार्टमेंटलाइजेशन फिर हमने पढ़ा कि स्ट्रैटी हम इंप्लीमेंट अगर करते हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए अगर कोई हमने स्ट्रैटजी चूज की है तो उसे इंप्लीमेंट करना है तो इंप्लीमेंट होगी वो कैसे थ्रू सपोर्ट ऑफ अदर्स और वो स्पोर्ट हमें विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी चाहिए सपोर्ट हमें आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी चाहिए लेकिन सपोर्ट तब मिलेगी जब हमारे विद इन ऑर्गेनाइजेशन या आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप अच्छे मैनेज है हाँ वो रिलेशन हमने कैसे मैनेज करने हैं इंटरनल वो भी हमने देखना है और एक्सटर्नल रिलेशनशिप कैसे मैनेज करने हैं वो भी हमने देखना है प्रीवियस लेक्चर में इंटरनल रिलेशनशिप कैसे मैनेज करने हैं वो हमने देख लिया विद इन ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लॉइज या मैनेजर्स के साथ अगर हमें रिलेशन मैनेज करने हैं तो वो कैसे मैनेज करने हैं थ्रू सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन और दोनों को हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया सेंट्रलाइजेशन क्या है कंसोलिडेशन अथॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग एट हेड ऑफिस जिसके तीन फायदे थे कंग्रुएंस ऑफ डिसीजन विद ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इसलिए स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है लोग प्रेफर करते हैं सेंट्रलाइजेशन को इससे मोर कोऑर्डिनेशन अचीव करने में हेल्प मिलेगी और इन क्राइसिस इट इज बेटर टू मेक डिसीजन सेंट्रली क्यों लोअर मैनेजमेंट के पास उतना नॉलेज एक्सपीरियंस स्किल्स नहीं होती तो तीन फायदे थे से सेंट्रलाइजेशन के डिसेंट्राइजेशन क्या है स्प्रेड ऑफ पावर अवे फ्रॉम हेड ऑफिस अवे फ्रॉम सेंटर मीन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू लोअर लेवल और इसके कुछ चार एडवांटेज थे हमारे पास लोकल मैनेजर्स हैव बेटर नॉलेज अबाउट लोकल कंडीशन सो दे कैन मेक बेटर डिसीजन इट हैल्प टू मोटिवेट लोकल मैनेजर्स क्यों डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी पावर उनको डेलीगेट की जा रही है इट हेल्प इन क्विक डिसीजन मेकिंग क्यों डिसीजन टॉप मैनेजमेंट को रेफर नहीं किया जा रहा और इससे क्या होगा टाइम िल बी सेव फॉर हायर मैनेजमेंट बिकॉज दे हैव टू फोकस ऑन फ्यू रादर दैन ऑल इशूज़ क्यों कुछ इशूज़ लोकल लेवल पर आटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगे सिर्फ जो बाकी बहुत ज़्यादा कॉम्पलेक्स हाई लेवल के इशूज़ हैं वही टॉप मैनेट के पास जाएंगे तो उनका टाइम भी सेव होगा और अल्टीमेटली जो सेंट्रलाइजेशन के एडवांट हैं वही डिसएडवाटेज हैं किसके डिसेंट्रलाइजेशन के और जो डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांट हैं वो डिसएडवाट हैं किसके सेंट्रलाइजेशन के सेंट्रलाइजेशन पे जाना है या डिसेंट्रलाइजेशन पे जाना है डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे मीन कौन सा इनमें से आपने स्ट्रक्चर चूज करना है सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे और वो फैक्टर्स क्या थे तीन फैक्टर्स हमने पढ़े प्रेफरेंस ऑफ सीनियर मैनेजमेंट प्रेफरेंस ऑफ सीनियर मैनेजमेंट साइज ऑफ बिजनेस एंड कॉम्प्लैक्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस ऑपरेशन मीन हमें सेंट्रलाइजेशन पे जाना है या डिसेंट्रलाइजेशन पे जाना है डिपेंड करता है प्रेफरेंस ऑफ सीनियर मैन पे कि सीनियर मैन में पावर अथॉरिटी अपने पास रिटेन रखना चाहती है मीन सारी सरदर्दी सारी मुसीबतें अपने गले पार डालना चाहती है या नहीं पावर अथॉरिटी डेलीगेट करके दूसरों को सरदर्दी दे के दूसरों के थ्रू मसलों को रिजॉल्व करना चाहती है ओबियसली तो सब कुछ अपने गले डालना चाहते हैं तो फिर सेंट्रलाइजेशन है नहीं दूसरों को भी यूटिलाइज करना चाहते हैं कि उन्हें पे किया जा रहा है तो कुछ मसले उनको दे के रिजॉल्व किए जाएं तो फिर क्या है डिसेंट्रलाइजेशन साइज ऑफ बिजनेस छोटा बिजनेस है लाइक like एंटरप्रेन्योरल है तो नीचे कोई मैनेजर्स आपके पास होंगे नहीं रिसी में कि अथॉरिटी पावर आपने डेलीगेट की नहीं हुई तो वो क्या है सेंट्रलाइजेशन है नहीं फंक्शनल में आपने मैनेजर को क्या किया फंक्शन को मैनेज करने की अथॉरिटी दी डिविजनल में डिविजनल मैनेजर को आपने अथॉरिटी दी डिवीजन को मैनेज करने की तो वो क्या है डिसेंट्रलाइजेशन तो साइज पे भी डिपेंड करता है डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस ऑपरेशन का अगर तो बिजनेस सिंपल है क्यों क्योंकि स्मॉल नंबर ऑफ प्रोडक्ट स्मॉल सर्विस में ऑपरेट कर रहा है लाइक like एंटरप्रेन्योर तो फिर आप चलोगे किस वे सेंट्रलाइजेशन पे नहीं बिज़नेस बड़ा है ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स हैं क्यों डिफरेंट नेचर के हैं तो फिर एक्सपर्टीज़ चाहिए उनको मैनेज करने के लिए और आप अकेले हर एरिया में एक्सपर्ट नहीं हो तो फिर आप क्या करोगे नीचे मैनेजर्स एक्सपर्ट अपॉइंट करके उनको अथॉरिटी डेलीगेट करोगे मसलों को रिजॉल्व करने के लिए तो कहाँ पर चलोगे डिसेंट्रलाइजेशन पे और ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया स्ट्रैटी इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सिर्फ इंटरनल ही नहीं एक्सटर्नल भी सपोर्ट चाहिए और एक्सटर्नल सपोर्ट के लिए हमें क्या करना है एक्सटर्नल रिलेशनशिप भी मैनेज करने हैं और एक्सटर्नल रिलेशनशिप कैसे मैनेज करने हैं थ्रू फोर वेज स्ट्रेटजिक अलाइंस वैल्यू नेटवर्क आउटसोर्सिंग एंड वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजिक अलाइंस क्या है हमने कवर कर लिया अलायंस एक्विजिशन मर्जर ज्वाइंट वेंचर को डिफ्रेंशिएट करते हुए कि अलायंस क्या है एक फॉर्मल एग्रीमेंट है बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन किस लिए फॉर सपोर्टिंग ईच अदर कैसे सपोर्ट करना है एक दूसरे के साथ रिजोर्स शेयर करते हुए ताकि दोनों अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बना सके वैल्यू नेटवर्क क्या है फॉर्मल कि इनफॉर्मल एग्रीमेंट है बिटवीन एंटिटीज एट द सेम पोजीशन मीन अपनी इंडस्ट्री के अंदर अपने इंटरमीडियरी के साथ या सप्लायर के साथ सप्लाइज को सिक्योर करने के लिए आपने जो एक एग्रीमेंट किया है उसे क्या नाम दिया जाएगा वैल्यू नेटवर्क का दोनों को एक एक लाइन में हमने डिफाइन कर लिया एक्सटर्नल रिलेशनशिप मैनेज किए जाते हैं थ्रू आउटसोर्सिंग भी आउटसोर्सिंग क्या है ऑलरेडी हमने चैप्टर टू में पढ़ा कहीं पे। इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशन इंटरनली सब कॉन्ट्रैक्टिंग द सब कॉन्ट्रैक्टिंग द वर्क टू आउटसाइडर इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशन इंटरनली सब कॉन्ट्रैक्टिंग द वर्क टू आउटसाइडर इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग क्या क्या आउटसोर्स हो सकता है हमने एग्जाम्पल भी चैप्टर टू में पढ़ी हुई है आईटी फंक्शन आउटसोर्स किया जा सकता है किसी आईटी फर्म को अकाउंटेंसी फंक्शन आउटसोर्स किया जा सकता है किसी अकाउंटेंसी फर्म को क्लीनिंग सिस्टम या सिक्योरिटी सिस्टम आउटसोर्स किया जा सकता है किसी क्लीनिंग या सिक्योरिटी कंपनी को इवन कंपनी अपना होल प्रोडक्शन सिस्टम भी आउटसोर्स कर सकती है लाइक कंपोनेंट्स बाहर से बनवा के आप खुद क्या करोगे सिर्फ डिजाइनिंग और मार्केटिंग अब इस आउटसोर्सिंग के कुछ फायदे हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल चैप्टर टू में कवर कर चुके हैं यहां पर हमने क्या पढ़ने हैं इसके एडवांटेजेस और क्या एडवांटेजेस हैं कि आउटसोर्सिंग करने से आपको मिलेगा क्या कंपेटिटिव एडवांटेज क्या मिलेगा कंपेटिटिव एडवांटेज एडवांटेज का मतलब क्या था नंबर ऑफ कस्टमर एज कंपेयर टू कंपैक्टर या एडवांटेज ओवर कंपैक्टर क्या फायदा होगा आउटसोर्सिंग से एडवांटेज कैसे मिलेगा कि वो एरिया जिनमें आप एक्सपर्ट नहीं हो या ये जो अकाउंटिंग है आईटी है ये क्या है प्राइमरी एक्टिविटी नहीं स्पोर्ट सेकेंडरी एक्टिविटीज हैं तो अगर इनको आप आउटसोर्स कर दोगे तो किसको आउटसोर्स करोगे जो ऑलरेडी इस चीज में एक्सपर्ट हैं क्या ख्याल है तो ये भी आपकी एक्सपर्ट वे में परफॉर्म होंगी और आप अपने मेन एरियाज़ को जिनमें खुद एक्सपर्ट हो उनको ज़्यादा फोकस करोगे तो उनको ज़्यादा अच्छे वे में मैनेज कर सकोगे ज़्यादा इनोवेशन क्रिएटिविटी ला सकोगे जिससे आप कंपैक्टर की नस्बत ज़्यादा अच्छा बिहेव करोगे तो ये क्या देगा आपको कंपैक्ट एडवांटेज देगा, देगा। मीन आपके वो एरियाज जिनमें आप एक्सपर्ट नहीं हो वो आउटसोर्स करने से अपनी एक्सपर्टीज़ को फोकस करोगे तो इससे आपको क्या मिलेगा कम्पैक्ट एडवांटेज ये क्या है एक फ़ायदा आउटसोर्सिंग का दूसरा फायदा क्या है कि आउटसोर्सिंग से आपको वैल्यू एडिशन मिलेगी क्या मिलेगी वैल्यू एडिशन कैसे अकाउंटिंग आपने आउटसोर्स किया किसी अकाउंटेंसी फर्म को जो चीज में एक्सपर्ट है आईटी आपने आउटसोर्स किया किसको एक आईटी फर्म को जो उस चीज में एक्सपर्ट है सिक्योरिटी आपने आउटसोर्स किया किसको? एक सिक्योरिटी कंपनी को जो उस चीज में एक्सपर्ट है जिनके प्रॉपर स्टाफ ट्रेन होंगे उनके पास वेपन भी होगा उनके पास प्रॉपर यूनिफॉर्म भी होगी क्या है सिक्योरिटी बड़ी अच्छी चलेगी जिससे क्या होगा आउटसोर्सिंग से वो एरिया जिनमें आप एक्सपर्ट नहीं हो वो भी आप एक्सपर्ट वे में परफॉर्म होंगे और जब एक्सपर्ट वे में परफॉर्म होंगे हर चीज़ एक्सपर्ट वे में परफॉर्म होगी तो इससे बिजनेस को क्या मिलेगी ज़्यादा वैल्यू मिलेगी में वैल्यू एडिशन होगी इसके अलावा फ़ायदा क्या है कि बजाय इसके कि आप अपने स्टाफ रख के अकाउंटिंग या आईटी डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट चलाओ बाहर से अगर आप सब लोगे तो आपको जो है वो लोग ज्यादा स्किलफुल ज़्यादा ट्रेंड मिलेंगे क्यों उन ऑर्गेनाइजेशन का काम ही आईटी को देखना है तो उनका स्टाफ ज़्यादा स्किल्स होगा ज़्यादा ट्रेंड होगा तो आउटसोर्स करने से आपके पास अगर कोई स्किल्स लैक कर रही हैं तो स्किल्स की अवेलेबिलिटी आपको मिल जाएगी क्या मिल जाएगी स्किल्स की अवेलेबिलिटी कौन सी स्किल्स जो आपके पास लैक कर रही हैं बाहर से आपको अच्छी वे में मिल जाएगी जैसे कि अपना स्टाफ रख के उसको पूरा साल पे करो क्या क्या बारह माह पे करो बाहर से आपने जितनी सर्विस लेनी है उतना पे करना पड़ेगा तो ये क्या होगा कॉस्ट अफेक्टिव भी होगा मीन इससे आपको क्या मिलेगी कॉस्ट एफिशिएंसी मीन सस्ते में काम बाहर से हो जाएगा वही काम जो आपने अपना स्टाफ के पूरा साल पे करके करवाना एक और भी फायदा है कि अगर सारे एरियाज मैनेजमेंट फोकस करेगी तो मैनेजमेंट के पास शायद प्लानिंग के लिए डिसीजन मेकिंग के लिए स्ट्रैटी मेकिंग के लिए इतना टाइम नहीं बचेगा तो अगर कुछ एरिया जो आपके हैं ही नहीं एज ए स्पोर्ट्स सेकेंडरी एक्टिविटी हैं उनको अगर आप आउटसोर्स कर दोगे और वो परफॉर्म भी बाहर से ऑटोमेटिकली अच्छे वे में हो रहे हैं तो इससे क्या होगा मैनेजमेंट का टाइम जो है वो भी सेव होगा और मैनेजमेंट वो टाइम क्या कर सकेगी इन्वेस्ट कर सकेगी लगा सकेगी कहाँ पे स्ट्रेटी मेकिंग में प्लानिंग में बिजनेस एक्सपेंशन में जिससे मैनेजमेंट को फ़ायदा होगा तो पांच फ़ायदे हैं आउटसोर्सिंग के इससे कंपैक्टिव एडवांटेज मिलेगा क्यों एक्सपर्टीज़ को आप ज़्यादा अपना फोकस करोगे वैल्यू एडिशन होगी कि जिनमें आप एक्सपर्ट नहीं है वो भी आप एक्सपर्ट वे में परफॉर्म होंगे स्किल्स अवेलेबल हो जाएंगी बाहर से जो आपके पास लैक कर रही थी कॉस्ट एफिशिएंसी भी अचीव होगी क्यों कम पे करना पड़ेगा जितना वर्क है उतना पे करना पड़ेगा रादर देन ट्वेल्व मंथ स्टाफ को पे करना और मैनेजमेंट क्या होगा कुछ एरियाज बाहर से परफॉर्म हो रहे हैं कुछ खुद देख रही है तो इसे मैनेजमेंट का टाइम सेव होगा दैट कैन बी यूटिलाइज इन टू स्ट्रैटी मेकिंग प्लानिंग ऑफ द बिजनेस लेकिन वो कहते हैं नहीं आउटसोर्स के साथ कुछ मसले भी हैं आउटसोर्सिंग के साथ कुछ मसले भी हैं मसले क्या है मसला है एक तो लॉस ऑफ कंट्रोल कि वो काम आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं बाहर कहीं परफॉर्म हो रहा है और सही हो रहा है या नहीं हो रहा उसके ऊपर मॉनिटरिंग कंट्रोल आपका नहीं रहता क्या कह रहा अपने अंदर है डिपार्टमेंट चल रहा है तो आपको पता है क्या चल रहा है कैसे चल रहा है आप उसे कंट्रोल मॉनिटर कर सकते हो जैसे आप चाहते हो वैसे हो रहा है या नहीं हो रहा मॉनिटर कर सकते हो लेकिन बाहर हो रहा है तो आप मॉनिटर नहीं कर सकते सपोज एग्जाम्पल कि हमने अपनी कंपनी की स्पोज बनानी है वेबसाइट और हम चाहते हैं कि बड़ी यूनिक बड़ी अट्रैक्टिव बड़ी लश किस्म की वेबसाइट हो कि वैसी वेबसाइट कंप्यूटर की हो ही ना कस्टमर एक दफ़ा देखे या दुनिया देखे तो एक दफ़ा वाह ज़रूर कहे इतनी कमाल वेबसाइट होनी चाहिए अब अपना अगर तो अपना आईटी डिपार्टमेंट है जिसके थ्रू वेबसाइट बन रही है तो जब जब बन रही है हम साथ साथ देख रहे हैं कैसे कैसे बन रही है यार दिखा क्या बनाया यार दिखा क्या बनाया है और अगर कहीं पर कोई चेंजेस चाहिए तो हम फौरी करवा सकते हैं अगर आउटसोर्स किया हो ये काम तो क्या होगा ड्यूरिंग वेबसाइट डेवलपमेंट हमारा कोई कंट्रोल कोई मॉनिटरिंग नहीं है जब वेबसाइट बन के आएगी तो तभी हमें पता चलेगा क्या बनाए और अगर जब बन के आई पता चला ये तो वैसी है ही नहीं जैसे हम चाहते हैं और हमें लॉन्च भी अभी कल ही करनी है तो शायद ये चेंजेस हम नहीं करवा सकेंगे रीजन क्या थी कि हमारा कंट्रोल नहीं था ड्यूरिंग वर्क जब वो काम हो रहा था तो ये एक आउटसोर्सिंग के साथ मसला किया दूसरा आउटसोर्सिंग के साथ मसला है कि रिलेशनशिप जो है वो बड़ा क्रिटिकल है रिलेशनशिप क्या होता है क्रिटिकल होता है मीन अपने इंप्लॉज अपने डिपार्टमेंट हैं तो उनको तो आप मैनेज करना जानते हो कैसे मैनेज करना है हमें पता है लेकिन बाहर के लोगों की दिमाग डिफरेंट होते हैं पर्सनालिटी डिफरेंट होती हैं तो जिसको काम दिया हुआ है अगर उसके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा किसी वजह से तो उल्टा आपका काम जो है वो अफेक्ट हो जाएगा और कहीं और से करवाने के लिए अल्टीमेटली फिर आपको कोई और ढूंढना पड़ेगी तो उसमें डिलेज प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ सकते हैं तो मसला है आउटसोर्स जिसको किया है उसके साथ रिलेशनशिप क्रिटिकल है मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हो सकता है और अगर मैनेज नहीं हुआ तो उल्टा तबाही भी हो सकती है लॉसेस बेयर करना पड़ सकते हैं तीसरा मसला है कि अगर आपने आउटसोर्स किए हुए हैं अपने कोई बिज़नेस सीक्रेट लाइक अकाउंटेंसी काम आपने आउटसोर्स किया हुआ है कोई वर्ड प्रोसेसिंग का काम आउटसोर्स किया हुआ है तो इससे आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसका भी इशू आ सकता है मेन इशू आपको फेस करना पड़ सकता है किसका कॉन्फिडेंशियलिटी का मेन बिजनेस सीक्रेट्स जो हैं वो आपके लीक आउट हो सकते हैं कहीं बाहर की दुनिया में भी क्या ख्याल है तो ये भी एक बिज़नेस सीक्रेट्स का भी मसला है सो एक्सटर्नल रिलेशनशिप कैसे मैनेज करनी है थ्रू अ फॉर्मल एग्रीमेंट विद अदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर सपोर्ट ईच अदर किस लिए टू मेंटेनिंग अ गुड पोजिशन इन द मार्केट लाइक जो जैज और वारिद ने किया हुआ है आपस में ताकि बाकी कंपैक्टर को पीछे छोड़ के हम एक दूसरे को सपोर्ट करके दो नेटवर्क एक आवाज़ बन के अपनी पोजिशन को स्ट्रॉन्ग बना सकें यह हमारी बुक में उसने एग्जाम्पल दी यू और डेबू का जबकि वैल्यू सॉरी वैल्यू नेटवर्क क्या है इन फॉर्मार्मल एग्रीमेंट है किसके साथ सप्लायर या इंटरमीडिएट के साथ कि भाई मेरे अलावा किसी और को सप्लाइज नहीं देनी भाई मेरे अलावा किसी और की चीज़ें नहीं बेचनी किस लिए ताकि और कोई कंपैक्टर इनको टच ना करे और हमारी चीज़ें ही हमारे पास आएँ और आगे बिकें भी ताकि पोजिशन स्ट्रॉग बनाई जा सके या एक्सटर्नल रिलेशनशिप कैसे मैनेज होगा अपने कुछ एरियाज़ ख़ुद परफॉर्म करने के बजाय बाहर से लोगों से करवा लेना कौन से लोगों से जो ऑलरेडी उन चीज़ में एक्सपर्ट हैं जिससे हमें क्या मिलेगा कंपैक्ट एडवांटेज वैल्यू एडिशन स्किल अवेलेबिलिटी कॉस्ट सेविंग इवन टाइम सेविंग भी लेकिन सात मसले हैं क्या लॉस ऑफ कंट्रोल काम कब हो रहा है हम मॉनिटर नहीं कर सकते बाद में जब एंड पे आया तो पता चलेगा शायद गलत है तो फिर ठीक करवाने का टाइम नहीं बचेगा रिलेशनशिप मैनेज करना बहुत औखा है डिस्टर्ब हो गया तो तबाही हो जाएगी बिजनेस की क्यों वो काम परफॉर्म नहीं होगा और कॉन्फिडेंशियलिटी बिजनेस सीक्रेट्स का भी इशू है एक्सटर्नल रिलेशनशिप कैसे मैनेज करने हैं विद वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल रिलेशनशिप कैसे मैनेज करने हैं विदर्चल ऑर्गेनाइजेशन वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या है Suppose, मेरा एक बिजनेस है क्या बिजनेस है इवेंट मैनेजमेंट का एक बिजनेस है कि हम क्या करते हैं लोगों के इवेंट्स मैनेज हैं मीन लोगों के फंक्शंस जो हैं वो मैनेज करते हैं कैसे मैं बिजनेस करता हूं मैं कहीं पे जाता हूं कोई एक फंक्शन सपोज मुझे मिला वो मैंने किया तो वहां पे मैं लोगों को जो है ना अपने कार्ड दे देता हूँ लोग क्या करते हैं किसी ने भी कोई फंक्शन करवाना है वो देखता है हाँ वो फ्लाम फंक्शन बड़ा अच्छा हुआ था तो कांटेक्ट करता है मुझे भाई हमारा फ़लॉँ डेट टाइम पे फलांट जगह पे फंक्शन है इतने लोगों का क्या आप मैनेज करोगे मैं कहता हूँ यस मैं मैनेज कर करूँगा क्या करता हूँ मैं उस डेट टाइम पे उस जगह पे जाता हूँ एक कैटरिंग कंपनी के साथ मैंने डील की हुई है कि भाई जब मुझे कोई कैटरिंग इक्विपमेंट चाहिए होगा आपने मुझे प्रोवाइड करना है उनको कॉल करता हूँ भी इतना कैटरिंग इक्विपमेंट फ्लॉँ डेट टाइम फ्लॉँ जगह पे पहुँच जाए वो पहुंच जाता है एक लाइटिंग कंपनी को डेकोरेशन कंपनी को कहता हूँ ये ये लाइटिंग ये ये डेकोरेशन मुझे चाहिए वो भी पहुँच जाती है एक फ़ूड कंपनी को कहता हूँ मुझे ये ये फूड इतनी इतनी क्वान्टिटी में चाहिए इतने लोगों के लिए वो भी पहुँच जाता है एक लेबर कंपनी को कहता हूँ इतने मुझे वेटर्स इतने हेल्पर्स चाहिए वो भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं मैं वहाँ पे जाता हूँ सारा ये चीज़ें आई होती हैं वहाँ पे फंक्शन अरेंज करता हूँ मैनेज करता हूँ फंक्शन के बाद कस्टमर से पैसे लेता हूँ इन लोगों के पैसे इनको दे के अपना प्रॉफिट पॉकेट में डाल के घर आ जाता हूँ बिजनेस है लेकिन क्या मेरे कोई परमानेंट एम्प्लॉयज हैं नो क्या मेरी कोई फिजिकल एसेट हैं नो क्या मेरी कोई बिल्डिंग है ऑफिस है नो क्या मेरी कोई इन्वेंट्री है नो ये क्या है बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करना विद ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द एक्टिविटीज बिजनेस आउटसोर्स करते हुए इसे क्या नाम दिया जाएगा वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का क्या किया आपने एक्सटर्नल रिलेशनशिप में सब कुछ एक्सटर्नली परफॉर्म करवाया इंप्लाइज भी एक्सटर्नली लिए इन्वेंट्री भी एक्सटर्नली लिए एसेट भी एक्सटर्नली लिए और बिजनेस ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो विदाउट एनी परमानेंट इम्प्लॉय विदाउट एनी फिजिकल एसेट विदाउट एनी कल बिल्डिंग आर ऑफिस ऑफ द बिजनेस तो परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशन विद ऑलमोस्ट आउटसोर्सिंग ऑल ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस विद नो परमानेंट इंप्लाइज नो इन्वेंट्री नो एसेट नो बिल्डिंग इसे क्या नाम दिया जाएगा वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का कि सब कुछ आप बाहर से मैनेज कर रहे हो एक्सटर्नल रिलेशनशिप के थ्रू बिजनेस मैनेज कर रहे हो एक और मेरा बिजनेस है सपोज क्या बिजनेस है एक कंपनी है मेरी आईटी सर्विसेज की कंपनी है कहां पे है दुबई में है दुबई में मेरी एक आई टी सर्विस की कंपनी है क्या किया हुआ है मैंने एक वेबसाइट बनाई हुई है वेबसाइट बनाई हुई है उसके ऊपर मैंने इंफॉर्मेशन दी हुई है कि हम क्या क्या आई टी सर्विस देते हैं उसमें मैंशन किया हुआ है किसी ने वेबसाइट बनवानी है तो वो भी हम बना के देंगे किसी को कोई सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए चाहिए तो वो भी हम बना के देंगे किसी को कोई हार्डवेयर कंपनी के लिए चाहिए लाइक प्रिंटर चाहिए कंप्यूटर चाहिए स्कैनर चाहिए कोई भी चाहिए वो भी हम देंगे किसी को कोई सीसीटीवी सी कैमराज इंस्टॉल करवाने हैं कोई थम इंप्रेशन इंस्टॉल कराना है तो सब कुछ हम करेंगे सारी इंफॉर्मेशन हमने वेबसाइट पे दी हुई है और वेबसाइट पे हमने क्या दिया हुआ है अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है फ़ोन नंबर दिया हुआ है और ईमेल आई दिया हुआ अब आजकल दुनिया में क्या हो रहा है किसी ने कोई भी चीज़ लेनी है ना तो लोग इंफॉर्मेशन लेने के लिए क्या करते हैं कि कहाँ से ये चीज़ मिलेगी गूगल गूगल करते हैं और गूगल के पहले पेज पे ही जो जो कंपनीज के नाम आ जाएं लोग क्या करते हैं वहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद उन्हें अगर वो चीज़ वहाँ से मिल रही है तो उसी वेबसाइट पे उसी कंपनी को ऑर्डर कर देते हैं तो मैंने क्या किया हुआ है आई टी सर्विस की कंपनी है दुबई में एक वेबसाइट बनाई हुई है लेकिन ये वेबसाइट मेरी गूगल पेजिज़ में टॉप पेजिज़ पर पे आनी चाहिए इसके लिए एक टेक्निक होती है जिसे नाम दिया जाता है एस ई ओ एस ई ओ for सर्च इंजन optimization सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसमें कुछ प्रोग्रामर्स बैठ के क्या करते हैं कुछ प्रोग्रामिंग ओवर द इंटरनेट करते रहते हैं जिससे आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल सर्च इंजन में टॉप पेजेस पे आ जाती है हाँ उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कुछ प्रोग्रामर्स अपने रखने पड़ते हैं या किसी को आउटसोर्स करके पे करके भी काम करवाया जा सकता है तो मैं क्या करता हूँ पाकिस्तान में यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर हाउस को पे करता हूँ मंथली बेसिस पे कुछ और वो ये एस के थ्रू मेरी कंपनी की वेबसाइट को गूगल सर्च इंजन पेजेस में टॉप पे ला के रखते हैं अब क्या होता है किसी भी कस्टमर को क्या करना है कोई आईटी टी सेट प्रोडक्ट चाहिए यू में बैठा है वो कस्टमर उसने सर्च किया सपोज़ उसे सी सी टी वी कैमराज लगाने हैं गूगल किया तो टॉप पर मेरी वेबसाइट आ गई उसने क्या किया ओवर द फ़ोन या ओवर द ई मेल या फिर व्हाट्सएप पर मुझे कॉन्टैक्ट किया भाई मुझे इतने कैमराज अपनी इस ऑर्गेनेशन में चाहिए क्या आप लगाओगे मैं कहता हूँ जी लगाऊँगा वो कहता है कितने में मैं क्या करता हूँ एक कोटेशन बना के उसे सेंड कर देता हूँ कितने में वो कहता है ठीक है मैं क्या करता हूँ मार्केट से कैमरा उठवाता हूँ एक लेबर कंपनी से कोई तीन चार लेबरर लेता हूँ उस साइट पे जाके लेबरर को जाके कैमरा जा के कैमरा इंस्टॉल करवाता हूँ कैमरा इंस्टॉल करके कस्टमर से पेमेंट अपनी चार्ज करता हूँ इनके पैसे इनको दे के प्रॉफिट लेके घर आ जाता हूँ आई सर्विस की कंपनी है लेकिन क्या मेरा कोई ऑफिस है नहीं वेबसाइट के थ्रू बिजनेस हो रहा है क्या मेरे कोई इंप्लॉयज़ हैं नहीं क्या मेरी कोई इन्वेंट्री है नहीं एक कंपनी कहती है जी हमें अपनी वेबसाइट बनवानी है मैं कहता हूँ ठीक है जी बना के देंगे कैसी कैसी बनवानी है कंपनी कहती है जी ऐसी ऐसी बनवानी है मैं कहता हूँ ठीक है बना के देंगे मैं यहाँ से पाकिस्तान में कुछ सॉफ्टवेयर हाउस वालों को कॉन्टेक्ट करता हूँ यार ऐसी ऐसी वेबसाइट बनानी कितने में बना के दोगे ये कहते हैं जी पचास में बना के देंगे मैं कस्टमर को कहता हूँ एक लाख में आपको बना के दूँगा कस्टमर कहता है ठीक है इनको वेबसाइट का ऑर्डर देता हूँ ये वेबसाइट बना के देते हैं मैं कस्टमर से पैसे चार्ज करके इनके इनको दे देता हूँ अपना मार्जिन अपने पास रख लेता हूँ बिजनेस है क्या मेरा कोई ऑफिस मेरे कोई एम्प्लॉज़ नहीं क्या है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन ये कंपनी कहती है हमें ये ये स्पेसिफिकेशन के लैपटॉप इतने चाहिए या कंप्यूटर चाहिए इम्प्लॉइज़ के लिए क्या आप दोगे यस दूंगा कितने में ठहरे मैं अभी बताता हूँ मार्केट से उनकी प्राइसेस लेता हूँ उसके ऊपर अपना 10 परसेंट पंद्रह परसेंट मार्जिन चार्ज करके कस्टमर को कोट करता हूँ कस्टमर कहता है ओके okay, मार्केट से चीज़ें उठा के कस्टमर को देता हूँ बीच में अपना मार्जिन पॉकेट में डाल के घर आ जाता हूँ बिजनेस है लेकिन क्या मेरा कोई ऑफिस मेरे कोई इंप्लाइज मेरी कोई इन्वेंट्री कोई एसेट है नहीं ये क्या है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन सो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या है परफॉर्म करना बिजनेस ऑपरेशन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस को आउटसोर्स करते हुए विद नो परमानेंट एम्प्लॉज नो एसेट नो इन्वेंट्री नो ऑफिस इसे क्या नाम देंगे वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन लेकिन कैसे चलेगी ये इतना आसान काम नहीं है जितना आप सुन रहे हो चलाने के लिए आपने जिन जिन को आउटसोर्स किया हुआ है उनके साथ रिलेशनशिप मैनेज करना बहुत जरूरी है एक तो रिलेशनशिप जरूरी है और दूसरा इसको चलाने के लिए चाहिए आईटी टेक्नोलॉजी भी वो फंक्शन मैं कर रहा हूँ उधर से अगर वो खाने वाला ऑन टाइम नहीं पहुंचा तो मैं क्या भाग के उसके पास जाऊंगा कि भाई खाना नहीं आया नहीं आईटी टेक्नोलॉजी मीन फ़ोन करूंगा उसे रास यहाँ पे मेरा फंक्शन लेट हो रहा है खाना जल्दी पहुंचाओ आई टेक्नोलॉजी नहीं है या उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो फिर इस चीज़ को मैनेज करना मुश्किल काम है तो मैनेज करने के लिए क्या चाहिए रिलेशनशिप भी चाहिए विद एक्सटर्नल बॉडीज़ जिनको आपने आउटसोर्स किया हुआ है और दूसरा आईटी टेक्नोलॉजी भी चाहिए क्यों अगर आपने आउटसोर्स की हुई है कुछ चीज़ें सपोज़ मैं दुबई में बैठा पाकिस्तान से वेबसाइट बनवा रहा हूँ तो यहाँ से कैसे मैं कम्युनिकेट करूँगा या तो फ़ोन पे करूँगा या फिर ई मेल पे करूँगा और फोन और ई मेल दोनों क्या हैं आई टी बीना आई टी के बिना ये पॉसिबल नहीं है इनफैक्ट मैनेज ही नहीं होगा तो मैनेज करने के लिए क्या चाहिए एक तो आई टी चाहिए और दूसरा रिलेशनशिप चाहिए इस तरह से व्यर्चर ऑर्गेनाइजेशन के एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूँ सपोज मेरा एक बिज़नेस है क्या बिज़नेस है कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है क्या बिज़नेस है जी मैं लोगों के घर बनाता हूँ कैसे बनाता हूँ मैंने सपोज़ कोई एक घर बनाया वहाँ पे मैं जितने भी कोई जानने जुड़ने वाले लोग होते हैं लाइक एस्टेट डेवलपर होते हैं प्रॉपर्टी डीलर होते हैं उस घर की इनागोरेशन पर इन सबको बुला लेता हूँ और घर बड़ा कमाल किस्म का बनाया इन सबको बुलाया और वहाँ पे इनागोरेशन कराई इन्होंने देखा क्या कमाल घर बनाया इनको साथ ही मैंने अपने कार्ड भी बांट दिए अब इनमें से सपोज़ किसी ने कोई घर बनवाना है तो क्या करते हैं मुझे फ़ोन करते हैं या इतने मरले का प्लाट हमारी फ्लाट जगह पे है कि आप घर बनाओगे मैं कहता तो हूँ यस मैं बनाऊँगा अच्छा कैसा बनाओगे मैंने क्या किया हुआ ऑलरेडी कोई दस बारह जो है वो डिफरेंट सैम्पल नक्शे बना के रखे हुए हैं इनको वो सारे मैं सेंड करता हूँ देखें जी ऐसा भी बन सकता है 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 जी कहते हैं जी ऐसा बना दें मैं कहता हूँ ठीक है मैं बना दूँगा कितने में अपनी प्राइस कोट करता हूँ उसके बाद क्या करता हूँ एक मटीरियल कंपनी को कहता हूँ मुझे ये इतना इतना मटीरियल फलाँस जगह पर चाहिए वहाँ पर पहुँचा देते हैं एक मशीनरी कंपनी को कहता हूँ कि मुझे कंस्ट्रक्शन की इतनी इतनी मशीनरी इतने दिनों के लिए फलास जगह पे चाहिए वो भी वहाँ पे आ जाती है रेंट पे एक लेबर कंपनी को कहता हूँ इतने मुझे मिस्त्री इतने मज़दूर चाहिए इतने दिनों के लिए वो भी वहाँ पर आ जाते हैं डेली मैं साइट पे जाता हूँ मटेरियल वहाँ पे आया होता है मशीनरी वहाँ पे होती है मज़दूर मिस्त्री वहाँ पे आए होते हैं मैं डेली सुबह से शाम वहाँ पे बैठ के काम करवाता हूँ तीन माह ऐसे चलता है तीन माह में घर बिल्टअप हो गया कस्टमर से पैसे लिए इनके पैसे इनको दिए अपना प्रॉफिट डाल के पॉकेट में घर आ गया बिजनेस है क्या मेरा कोई ऑफिस नो मेरे कोई इंप्लाइज नो मेरे कोई एसेट नो मेरी कोई इन्वेंट्री नो ये क्या है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या एक्सटर्नल रिलेशनशिप कैसे मैनेज होंगे थ्रू सर्जिकलाइज थ्रू वैल्यू नेटवर्क थ्रू आउटसोर्सिंग मीन कुछ चीज़ें आउटसोर्स करना बाहर से परफॉर्म करवाना या फिर ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज आउटसोर्स करते हुए बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करना ये क्या है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन आइए पढ़ते हैं क्या है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑन पेज ऑन पेज 64 पेज 64 वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या है कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन दैट डज नॉट हैव आइडेंटिफाइबल फिजिकल एग्जिस्टेंस मीन जिसके फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है लाइक नो हेड ऑफिस नो सेंटर ऑफ ऑपरेशन मीन बिल्डिंग नहीं है फुल टाइम एम्प्लॉयज नहीं है एज हैव आउटसोर्स ऑल ऑपरेशन मीन सब कुछ आउटसोर्स किया हुआ आपने इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल लिंक्ड बाय कंप्यूटर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क मीन डिफरेंट इंडिविजुअल्स का नेटवर्क है मीन अदर ऑर्गेनाइजेशन है कैसे मैंने लिंक की हुई हैं टेलीफोन आईटी के थ्रू या रिलेशनशिप के थ्रू सच एज इंटरनेट एंड बिजनेस कॉन्टैक्ट्स कॉन्टैक्ट्स मीन रिलेशनशिप एग्जाम्पल दे दी स्मॉल बिजनेस लाइक अ हाउस बिल्डर कोर कंप्यूटेंस इज हीज पर्सनल स्किल एंड एक्सपीरियंस जैसे मैंने अभी कंस्ट्रक्शन घर बनाने का बिजनेस बताया लेकिन इतना आसान काम नहीं है क्या क्या है इसमें स्किल्स चाहिए इस चीज़ को मैनेज करने के लिए लेबरर जो हैं इनसे काम करवाना बड़ा औखा काम है तो इनको कैसे मैनेज करना है इनको समटाइम गालियाँ भी निकालना पड़ती हैं तो वो स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए कि मैनेज कैसे करना है क्यों मैनेज करने की स्किल्स नहीं है तो फिर ये काम नहीं होगा तो स्मॉल बिजनेस हो सकता है लाइक हाउस बिल्डर जिसमें कोर कॉम्पिटेंस क्या है पर्सनल स्किल्स एंड एक्सपीरियंस या लार्ज बिजनेस हो सकता है लाइक दैट अ कंपनी सेल्स ब्रांडेड फुटवेयर जो यूके यूएसए यूरोप के बड़े बड़े ब्रांड कर रहे हैं अपनी प्रोडक्शन कहाँ पे करवा रहे हैं इंडिया पाकिस्तान चाइना बांग्लादेश इधर आके देखते हैं कंपनीज क्या क्या बना रही हैं तो हैं अच्छा क्वालिटी बड़ी अच्छी है यार बड़ा कमाल बना रहे हो इस तरह करना नेक्स्ट टाइम से ये चीज बना के हमारा टैग लगा के सिर्फ हम ही देना लाइक यहाँ से एडिडास के जूते बन रहे हैं यहाँ से एडिडास के गारमेंट्स बन रहे हैं टैग इसका लगा हुआ है एडिडास का एडिडास कहा की कंपनी है सपोज यूके यूरोप यूएसए की कंपनी ये क्या किया उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ अपनी प्रोडक्शन को यहाँ पे सो लार्ज बिजनेस हो सकता है लाइक अ कंपनी दैट सेल्स ब्रांडेड फुटवेयर कोर कम्पिटेंस इज इट्स ब्रांड नेम अ की टू सक्सेसफुल वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ ऑल डिफरेंट एक्सटर्नल रिलेशनशिप मीन बिजनेस की सक्सेस किस चीज पे डिपेंड करती है एक्सटर्नल रिलेशनशिप आप कितना अच्छा मैनेज कर रहे हो जिनको आपने आउटसोर्स किया हुआ है एंड सक्सेसफुल कोऑर्डिनेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज और कोऑर्डिनेशन सीक्वेंस टाइमिंग आपने कितनी अच्छी सेट की हुई है टाइमिंग अच्छी नहीं है तो अफेक्ट हो जाएगा बिजनेस द वर्चुअल कंपनी हैज बीन मेड पॉसिबल बाय डेवलपमेंट इन आईटी टेक्नोलॉजी और साथ आपको क्या चाहिए सिर्फ रिलेशनशिप ही नहीं आईटी टेक्नोलॉजी भी चाहिए जिनको आउटसोर्स किया है उनके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए बिजनेस को मैनेज करने के लिए सो इंटरनल रिलेशनशिप हमने मैनेज करने हैं थ्रू सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन एक्सटर्नल रिलेशनशिप मैनेज करने हैं थ्रू आ फॉर्मल एग्रीमेंट विद अदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्पोर्ट थ्रू एन इनफॉर्मल एग्रीमेंट विद अदर ऑर्गेनाइजेशन एट द सेम प्लेस या इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशन इंटरनली सब कॉन्ट्रैक्टिंग सम ऑफ योर वर्क टू आउटसाइडर आउटसोर्सिंग एक्सटर्नल रिलेशनशिप कैसे मैनेज करने हैं परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशन विद ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द एक्टिविटीज बिजनेस आउटसोर्स करते हुए विद नो फुल टाइम फुल्प्लॉइज नो हेड ऑफिस नो बिल्डिंग नो एसेट नो इन्वेंट्री क्या ख्याल चैप्टर टू में हमने पढ़ा था इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर स्ट्रैटी पढ़ा था डी लेयरिंग आउटसोर्सिंग क्या क्या है रीस्ट्रक्चरिंग सोशल मीडिया पढ़ा था हमने क्या क्या लाया है उसी में हमने पढ़ा था वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन भी कि इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर स्ट्रैटी क्या है तो सिर्फ आउटसोर्सिंग ही नहीं वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन भी है कि स्ट्रक्चर में से सब कुछ आपने आउटसोर्स करके बिजनेस परफॉर्म करना विद दी हेल्प ऑफ आई ही पॉसिबल है ये वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन और वहाँ पर हमने छोड़ा था क्यों हमने यहाँ पर दोबारा पढ़ना था आउटसोर्सिंग हमने डेफिनेशन और एग्जाम्पल वहां पे की लेकिन आज हमने एडवांटेजवांज पढ़ के इसको कंप्लीट किया सो so स्ट्रक्चर की हमने काफी सारी टाइप्स पढ़ ली हैं स्ट्रक्चर फॉर्मल भी होता है इनफॉर्मल भी होता है एंटरप्रोरल होता है फंक्शनल होता है डिविजनल होता है मैट्रिक्स होता है कितनी हो गई छे टॉल नैरो होता है फ्लैट वाइड होता है कितनी हो गई आठ सेंट्रलाइज होता है डिसेंट्रलाइज होता है कितनी होगी दस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हमने पढ़ ली फॉर्मल इनफॉर्मल एंटरप्रोरल फंक्शनल डिविजनल मैट्रिक्स टॉल नैरो, फ्लैट वाइड सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर अच्छा है कौन सा स्ट्रक्चर अच्छा है सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज टॉल नैरो फ्लैट वाइड एंटरप्रोरल फंक्शनल डिविजनल या मैट्रिक्स कौन सा अच्छा है डिपेंड करता है सिचुएशन सरकम पे सारे स्ट्रक्चर अच्छे हैं डिपेंड करता है सिचुएशन सरकम पे या डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे कौन सा स्ट्रक्चर अच्छा है डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे फैक्टर्स क्या हैं प्रेफरेंस ऑफ सीनियर मैनेजमेंट प्रेफरेंस ऑफ सीनियर मैनेजमेंट को यह भी कहा जा सकता है वट ऑर्गेनाइजेशन ट्राइंग टू अचीव मीन ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है मीन कैसे बिजनेस को चलाना चाहती है खुद से या दूसरों के थ्रू क्या है डिपेंड करता है साइज ऑफ बिजनेस पे भी छोटा है या फिर बड़ा डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस ऑपरेशन पे भी सिंपल है या फिर कॉम्प्लेक्स है जब कहते हैं डिपेंड करता है किस चीज पे बिजनेस एनवायरमेंट पे भी किस चीज पे डिपेंड करता है बिजनेस एनवायरमेंट पे भी अगर स्टेएबल स्टैटिक बिजनेस इन्वायरमेंट है तो टॉल नैरो अच्छा है लेकिन अगर बिजनेस बिजनेसमेंट कॉम्प्लेक्स डायनामिक चेंजिंग हो गया तो फिर कौन सा अच्छा है फ्लैट कॉम्प्लेक्स डायनामिक हो गया तो आपको कुछ नई इनोवेशन लानी है क्यों इनोवेशन ला के सर्वाइव करोगे और जब इनोवेशन लानी है तो आपको कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है और नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो उसमें फिर आपको क्या करना पड़ेगा मैट्रिक्स स्ट्रक्चर पर भी जाना पड़ेगा तो कौन सा स्ट्रक्चर अच्छा है इन दस में से डिपेंड करता है चार फैक्टर्स पे प्रेफरेंस ऑफ सीनियर मैनेजमेंट साइज ऑफ बिजनेस कॉम्प्लेक्टिटी ऑफ बिजनेस ऑपरेशन और बिजनेस एनवायरमेंट पे स्टेबल स्टैटिक बिजनेस एनवायरमेंट है तो फॉर्मल स्ट्रक्चर अच्छा है लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स डायनामिक हो गया है तो फिर इनफॉर्मल या फ्लैट वाइड और अल्टीमेटली फिर आपको प्रोजेक्ट नए नए स्टार्ट करने इनोवेशन लाने के लिए तो मैट्रिक स्ट्रक्चर पर भी आपको आना पड़ेगा स्टेबल स्टैटिक बिजनेस स्टार्टिंग है तो फॉर्मल 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 स्ट्रक्चर ठीक है क्या है है क्या है Tall, है क्या क्या फंक्शनल भी भी ही टॉल नैरो तो कौन सा स्ट्रक्चर अच्छा है डिपेंड करता है सर्टन फैक्टर या सिचुएशन सर्कमस्टांसिस और इस चीज को नाम देता है कंटिंजेंसी थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर द मोस्ट अप्रोप्रिय स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन सर्कमस्टांसिस या फोर फैक्टर्स लाइक प्रेफरेंस ऑफ सीनियर मैनेजमेंट साइज ऑफ बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस ऑपरेशन एंड बिजनेस एनवायरमेंट और अगर पेज सिक्सटी फोर पे हम आए तो नीचे हमें द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मिलेगा कॉन्टीजेंसी थ्योरी ऑफ ऑर्गेनेशन स्ट्रक्चर के मोस्ट अफेक्टिव ऑर्गेनेशन स्ट्रक्चर फॉर आइडेंटिटी डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ द बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटी मीन नेचर ऑफ इट्स अप्रेशन स्ट्रैटीज वट इच इज ट्राइंग टू अचीव या प्रेफरेंस ऑफ सीनियर मैनेजमेंट और साथ क्या है चौथा फैक्टर बिजनेस एनवायरमेंट स्टेबल स्ट्रैटिक है तो फॉर्मल फंक्शनल टॉर्नरो बिजनेस एनवायरमेंट कॉम्प्लेक्स डायनामिक हो गया है तो इनफॉर्मल फ्लैट वाइड या फिर मैट्रिक स्ट्रक्चर पर आपको आना पड़ेगा अब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छा स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू साइज अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्सिटी अकॉर्डिंग टू बिजनेस एनवायरमेंट तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदे मिलेंगे ना क्या ख्याल है और अगर ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छा स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया ही नहीं हुआ मीन बिजनेस एनवायरमेंट कॉम्प्लेक्स डायनामिक हो गया और आप टॉल नैरो पे चल रहे हो बिजनेस बड़ा हो गया है और आप सेंट्रलाइज या एंटरप्रेन्योरल पे चल रहे हो बिजनेस कॉम्प्लेक्स हो गया है और आप सेंट्रलाइज या टॉल नैरो पे चल रहे हो तो फिर स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है और जब अच्छा नहीं है तो क्या ऑर्गेनाइजेशन को फायदे मिलेंगे या नुकसान होगा नुकसान होगा दिस मीन अगर बिजनेस ने स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू दीज फैक्टर्स अडॉप्ट किया हुआ है तो बिजनेस को फायदे मिलेंगे और अकॉर्डिंग टू दीज फैक्टर्स अडॉप्ट नहीं किया हो तो बिजनेस का नुकसान होगा हम वो फायदे क्या मिलेंगे कि अगर कंपनी ने एक अप्रोप्रिएट मीन प्रॉपर स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया तो उसके फ़ायदे क्या मिलेंगे पेज 65 पे दिए गए हैं बेनिफिट्स ऑफ अडॉप्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होगा रिलेशनशिप अच्छे होंगे बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज़ इवन बिटवीन इम्प्लॉयज़ भी इम्प्लॉयज़ का जॉब रोल जो है वो क्लियर होगा किसने क्या करना है क्यों स्ट्रक्चर क्लियरली डिफाइन है स्टाफ के मोरल सेटिस्फैक्शन क्या होगी हाई होगी कंपनी की रेपूटेशन जो है वो अच्छी होगी एफिशेंसी अचीव होगी कस्टमर को अच्छी क्वालिटी की गुड सर्विसेज मिलेंगी और अल्टीमेटली आपका ब्रांड इमेज क्या होगा अच्छा होगा तो अच्छा स्ट्रक्चर अडॉप्ट करने के फायदे क्या होंगे रिलेशनशिप अच्छी होंगे जॉब रोल क्लियर होंगे मोरल सेटिस्फेक्शन हाई होगी एफिशिएंसी अचीव होगी कस्टमर को अच्छी क्वालिटी की गुड सर्विसेज मिलेंगी और अल्टीमेटली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हाई होगी ब्रांड इमेज क्या होगा हाई होगा आए पढ़ते हैं क्या है फायदे बेनिफिट ऑफ अडोप्टिंग एन एप्रोपियर स्ट्रक्चर कहते रिलेशनशिप एंड प्रोसेस अपीयर्स लॉजिकल एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड मी रिलेशनशिप अच्छे होंगे सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में चलेगा लॉजिकली चलेगा इंप्लॉयज अंडरस्टैंड देयर रोल एंड ऑब्जेक्टिव मी इंप्लायी को क्लियर होगा मेरा रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है स्टाफ मोरैल इज हाई एज इंप्लॉय एम्बरेस रिपोर्टिंग लाइन एंड लॉजिस्टिक्स स्टाफ के मुराल सेटिस्फैक्शन हाई होगी क्यों क्लियर मैंने करना क्या है और वो एम्बरेस मीन अडॉप्ट करेंगे फॉलो करेंगे क्या रिपोर्टिंग लाइन मीन जो भी डायरेक्शन मिल रही है उसको और लॉजिस्टिक्स को लॉजिस्टिक्स मीन बिजनेस के इक्विपमेंट्स को बिजनेस के सिस्टम को द कंपनीज ऑपरेशन आर हाईली एफिशियंट एंड स्ट्रक्चर है क्या होगा एफिशंसी अचीव होगी वैल्यूडिशन होगी Inefficient, such as redundant layers of management and delay in responding to customer queries, are minimized. Mean decision making communication be quick hogi. Customers and clients receive quality products on time and at fair price, thus, continue buying. Customer ko achi quality ki good services milengi. on time milengi, to retain rahega. Continue buying mean retain rahega. And decision can be made quickly and by the right people. तो ये कोई सात पॉइंट बनाए जा सकते हैं एक रिलेशनशिप दूसरा जॉब रोल तीसरा मोरल सेटिस्फैक्शन चौथा एफिशिएंसी, पांचवा कम्युनिकेशन छठा कस्टमर्स और सातवां डिसीजन मेकिंग आठवां साथ ही आप बना लो कि प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी विल बी हाई नौ बना लो कि ब्रांड इमेज रेपुटेशन ऑफ द कंपनी विल बी हाई क्या है और अगर अच्छा स्ट्रक्चर अडॉप्ट नहीं किया हुआ तो फिर मसले होंगे क्या मसले होंगे यही फ़ायदे उल्टा दो रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एम्प्लॉई अच्छे नहीं होंगे जॉब रोल लोगों को क्लियर नहीं होंगे कि किसने क्या करना है मोराल सेटिसफेक्शन क्या होगी लो होगी एफिशिएंसी या इनएफिशंसी इनएफिशंसी अचीव होगी कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन होगा पुअर कम्युनिकेशन कस्टमर को अच्छी क्वालिटी की गुड सर्विस मिलेंगी नहीं पुअर क्वालिटी की गुड सर्विस मिलेंगी और डिले आएंगे और क्या होगा साथ डिसीजन मेकिंग स्लो होगी ब्रांड इमेज आपका रेपुटेशन आपकी इफेक्ट होगी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी लो होगी इनफैक्ट बिजनेस क्लोज डाउन हो जाएगा तो अच्छा स्ट्रक्चर अडॉप्ट करने के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं अगर हम कोई सात आठ हेडिंग बना लें एक हमने क्या बना लिया रिलेशनशिप दूसरा हमने बना लिया क्या जॉब रोल क्लियर होंगे या नहीं होंगे तीसरी हेडिंग हमने बना ली सपोज मोराल सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉय चौथा हमने बना लिया एफिशिएंसी, पांचवा हमने बना लिया कम्युनिकेशन छठा हमने बना लिया कस्टमर सर्विस सातवां हमने बना लिया क्या सपोज डिसीजन मेकिंग क्विक होगी या फिर डिले होगी रेपुटेशन जिसको आप ब्रांड इमेज का नाम भी दे सकते हैं और लास्टली हम बना लेते हैं क्या प्रॉफिटेबिलिटी एग्जाम तो जितने के लिए पूछे उतने पॉइंट बना दो एक अच्छा स्ट्रक्चर अडॉप्ट ना करने के कंसिक्वेंसिस क्या होंगे ऑन पेज सिक्सटी फाइव कंसिक्वेंसिस ऑफ अडॉप्टिंग अ डेफिशियट स्ट्रक्चर डेफिशेंट मीन इनअप्रोप्रिएट अच्छा नहीं लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर नहीं होंगे फॉर एग्जाम्पल मल्टीपर रिपोर्टिंग लाइन एग्जिस्ट इन मैट्रिक्स ऑर्गेनेशन जो मैट्रिक्स ऑर्गेनेशन में होता है कि लोगों ने मल्टीपर रोल परफॉर्म करना होते हैं लेकिन अगर आपने डिफाइन नहीं किए हुए कि किसने क्या क्या करना है तो इसे क्या होगा रोल एम्बिगिटी होगी मीन क्लैरिटी नहीं होगी स्टाफ कैन बिकम फ्रस्ट्रेटिड ड्यू टू ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस मीन अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है मीन आपको चाहिए शायद इनफॉर्मल था आप फॉर्मल पे चल रहे हो ब्यूरोक्रेसी पे चल रहे हो तो इसे क्या होंगे स्टाफ मोरल लो होंगे मीन फ्रस्ट्रेटेड होंगे क्यों करना काम मिलजुल के है लेकिन स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हैं द ऑपरेशन में भी इन एफिशियंट इन होगी अगर अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है से डिलीवरी कॉस्ट ऑफ अडॉप्टिंग वन लार्ज कंट्री बेस्ड सेंट्रल वेयर हाउस एक्सीड द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग थ्री रीजनल बेस्ड सोस हम पाकिस्तान में एक बिज़नेस कर रहे हैं और क्या करते हैं पूरे पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्ट्स डिलीवर करते हैं क्यों कस्टमर हमें वेबसाइट पे ऑर्डर करता है और हमने क्या किया हुआ पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी देने के लिए सिर्फ़ लाहौर में अपना ऑफिस बनाया हुआ है जहाँ से पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी जाती है तो क्या ये अच्छा है या हमें पाकिस्तान के चार प्रोविंस हैं तो चारों में प्रोविंस में अपना वेयरहाउस बनाना चाहिए ताकि हर प्रोविंस में वहाँ से लोकल डिलीवरी दी जा सके तो चार प्रोविंस में लोकल ऑफिस से डिलीवरी देना ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंटी है देन पूरे पाकिस्तान में सिर्फ लाहौर से ही डिलीवरी देना ठीक है एक अच्छा स्ट्रक्चर हमने नहीं बनाया और तो उस वजह से एफिशिएंसी अचीव नहीं होगी या चौथा पॉइंट क्या कहता है कस्टमर एंड क्लाइंट्स लूज आउट थ्रू डिलेज अंडर लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स मीन अच्छी क्वालिटी की गुड सर्विसेज नहीं मिलेंगी ऑन टाइम नहीं मिलेंगी क्यों स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो सूरत में कस्टमर इफेक्ट होगा डिले इन डिसीजन मेकिंग वेयर इट इज डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद द डिसीजन मेकर हु आर नॉट लोकल टू कस्टमर आर सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेड वेयर कल्चरल वेरिएशन एग्जिस्ट एंड सेंसिटिव टू कस्टमर मीन डिफरेंट एरियाज में आप ऑपरेट कर रहे हो आप डिविजनल स्ट्रक्चर पे मीन डिसेंट्रलाइजेशन पर नहीं चल रहे और सेंट्रलाइजेशन पे चल रहे हो तो लोकल नॉलेज जो है लोकल कस्टमर का वो हेड ऑफिस के पास है नहीं तो अच्छे डिसीजन मेकिंग नहीं होंगे इवन डिले भी होंगे डिसीजन मेकिंग या डैमेज टू रेपुटेशन एंड ब्रांड इमेज इंपैक्ट लोअर द शेयर प्राइस ऑफ लिस्टेड कंपनीज़ ब्रांड इमेज अफेक्ट होगा और अल्टीमेटली ब्रांड इमेज अफेक्ट होगा तो आपकी शेयर की प्राइस लो जाएगी क्यों कोई बाय नहीं होगा सेल करने वाले लोग होंगे विच मे देन बी एट आ रिस्क ऑफ कारपोरेट टेक ओवर तो आपकी कंपनी को फिर कोई और टेक ओवर कर लेगा मीन नए ऑनर आ जाएंगे और बॉट आउट कंपनीज बॉट आउट मीन नया इन्वेस्टर जो है गो थ्रू रीस्ट्रक्चरिंग फेज तो फिर आगे ऑर्गेनाइजेशन को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करेगा टू स्ट्रीम लाइन ऑपरेशन एंड इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी तो इसमें बींग मैनेजर फिर आप भी अफेक्ट हो सकते हो इन्हें अच्छा स्ट्रक्चर अडॉप्ट नहीं किया तो कंपनी को कोई और खरीद लेगा मीन कंपनी टेक ओवर में चली जाएगी तो बॉट आउट कंपनीज में नया इन ऑनर जो है वो आके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए ऑपरेशन को स्टीम लाइन करेंगे मीन ठीक करेंगे मसले रिजॉल्व करेंगे तो उसमें फिर बहंगा मैनेजर्स आप भी अफेक्ट हो सकते हो आपकी जॉब भी लूज हो सकती है या मसला क्या हो सकता है अल्टीमेट आप बैड फिट मीन गंदा स्ट्रक्चर में रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ कस्टमर टू कंपेटिटर्स एंड ओवरऑल कार्पोरेट फेलियर तो अच्छा स्ट्रक्चर कौन सा है डिपेंड करता है चार फैक्टर्स पे प्रेफरेंस ऑफ अच्छा। सीनियर मैनेजमेंट साइज ऑफ बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस ऑपरेशन एंड बिजनेस एनवायरमेंट और एक अच्छा स्ट्रक्चर अडॉप्ट करने के फायदे क्या होंगे ऑन वर्डिंग में लिखे जा सकते हैं देर विल बी गुड रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज job role will be clear to all employees staff morale satisfaction will be high efficiency will be achieved in the organization good communication will be established customer will receive good quality of uh, goods or services and uh, at on time rapid decision making quick decision making will be enhanced reputation and brand image of the company will be enhanced and uh, an appropriate structure will improve profitability of the business. there will be poor relationship between management and employees. job roles will not be clear to all employees. there will be job role ambiguities. staff will be frustrated, satisfaction, morale level will be low. organization will be inefficient.

स्टेक होल्डर्स ऑर्गेजेशन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पर्पस, इम्पोर्टेंस और आगे इसकी टाइप्स चार फिर स्पैन ऑफ कंट्रोल उसके अकॉर्डिंगली दो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फिर हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन स्पेशलाइजेशन पढ़ लिया छोटा सा टॉपिक इंटरनल रिलेशनशिप में दो स्ट्रक्चर पढ़ लिए सेंट्रलाइजेशन डी के एडवांटेज पढ़ लिये तीन एडवांटेज चार एडवांटेस एक्सटर्नल रिलेशनशिप में चार टॉपिक पढ़े दो डेफिनेशन इसके इसकी एडवाटेजवाटेज और वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन दो एग्जांपल्स और इसकी सक्सेस किस चीज पे डिपेंड करती है दो लाइनें हमने वो भी पढ़ ली और हमने क्या पढ़ लिया कि एक अच्छा स्ट्रक्चर क्या है डिपेंड करता है चार फैक्टर्स पे या चार फैक्टर्स क्या हैं जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं क्या ख्याल है चार फैक्टर्स क्या हैं जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं प्रेफरेंस ऑफ सीनियर मैनेजमेंट है साइज ऑफ़ बिजनेस है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस ऑपरेशन है बिज़नेस एनवायरमेंट है एक फैक्टर अगर आप लिखना चाहो तो स्ट्रैटजीज़ भी लिख सकते हो कि आपने जो स्ट्रैटजीज बनानी हैं वो कैसे बनानी है लोगों के थ्रू बनानी है या खुद से बनानी है ऑलमोस्ट प्रेफरेंस ऑफ सीनियर ने की बनता है ये भी मेनली यही चाह रही हैं एक अच्छा स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया है तो उसके फायदे क्या हैं इन हेडिंग से लिखे जा सकते हैं नहीं कंसिक्वेंसिस ऑफ अडॉप्टिंग इन अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर क्या है या प्रॉब्लम्स विद इन एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर क्या हैं तो इन हेडिंग से लिखे जा सकते हैं चैप्टर में कोई दो टॉपिक और रह गए हैं जो होपफुली नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कवर करके चैप्टर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट लेक्चर